जनपद संभल की चंदौसी में रहौली रोड पर टूटी सड़क और जलभराव को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। जनपद संभल की चंदौसी में रहौली रोड पर स्थित एक कॉलोनी के लोगों ने टूटी सड़क और जलभराव को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में स्थानीय लोगों के साथ अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस विषय में स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क टूटी हुई और इसमें जलभराव भी है, इसकी वजह से कई बार लोग गिर भी गए और चोटिल भी हो गए, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, जिससे हम लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी ने कहा कि हमारा संगठन पूरी तरह से यहाँ के लोगों के साथ है और पूरी तरह से इन लोगों का साथ देंगे, इन लोगों को न्याय दिलाकर रहेंगे। अशरफी, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यह है कि हम बेहतरी फाटक के रहने वाले, हम बच्चे को लेकर जा रहे हैं, हम गिर गए अंधे धुंधे के रोड डलवा। और समस्या गया कोई कि इस कांधे में थोड़ी रंगे, क्या कमें जो ऐसी में परे रंगे है, रोड पड़ना चाहिए हमारा बस। सब बिल्किस बेगम, कहाँ रहती हैं? बेहतरी फाटक। क्या समस्या है आपकी? अरे साहब बता, हमारे बच्चे स्कूल का जाते हैं, वो परेशानी होती है कि गिरते हैं और तमाम पानी पड़ रहा है। आज रोड पड़ना चाहिए, गलियां सब बेकार हो रही हैं। हाँ, सड़कों में पानी भरा हुआ है और नाले बनने चाहिए, गलियां सब बेकार हो रही हैं। बताओ हम कहाँ जाएं, कहाँ लिख रहे हैं, कैसे करें, क्या करें, गरीब लोग हैं हम। आप लोगों ने किसी शिकायत की है? किसी और शिकायत तो करी है, क्या करें? तहसील में, नगर पालिका में किसी ने ना सुनी है हमारी बात। मेरा नाम है जिला अध्यक्ष प्रेम ग्रोवर। किस संगठन से आप जिला अध्यक्ष हैं? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। अच्छा, आज जो आप यहाँ पर जनता से मिले, आप जनता से बात की, यहाँ की समस्याओं को लेकर, उसमें क्या कहेंगे? यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनका नारकीय जीवन देखकर दिल हमारा इतना दुखित हुआ है कि हम यहाँ तक आए हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल चंदौसी और संभल और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में है, लेकिन यहाँ का नारकीय जीवन देख करके हम इन व्यापारियों के पास आए और इनका दुख दर्द सुना। जिस तरीके से हमने एसडीएम महोदय को और यहाँ के अधिशासी अधिकारी को हमने बताया कि भाई ये इस तरह का जीवन है, तो वो कहते हैं कि हम इसका वो कराएंगे कि भाई कहाँ पर है ये, तो उन्होंने कराया है, अभी अधूरी है, थोड़ा सा काम धीरे धीरे पूरा होगा और निश्चित रूप से इनको सुविधा मिलेगी, ऐसा मैं वायदा करता हूँ, क्योंकि हमारा संघर्ष कभी खाली नहीं जाएगा। असल में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल काफ़ी समय से इस बात की मांग उठा रहा है कि ये रहौली रोड, इसका नाम जो है वो रहौली रोड है, रहौली रोड पे जो है वो विकास कराया जाए। ये रहौली रोड अभी तक ना तो शहरी क्षेत्र में शामिल है और ना ही देहात में शामिल है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो विकास का जो है मामला बिल्कुल ठप पड़ा है। ये रहौली रोड पर जितने भी दुकानदार हमारे व्यापारी भाई हैं, सबके कारोबार जो है वो ठप हो गए हैं। यहाँ के रहने वाले लोग तकरीबन 4-5 हज़ार की आबादी है जो इस वक्त नारकीय जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनके सुनने वाला कोई नहीं है। अब नगर पालिका में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता, ग्राम पंचायत में जाते हैं, ग्राम पंचायत वाले बोलते हैं हमारे क्षेत्र में नहीं आता। इसलिए कई बार अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने अधिकारियों को अवगत कराया कि यहाँ पर कुछ संज्ञान में लेके इन लोगों का वोट बनवाया जाए, भले ही देहात वाले क्षेत्र में जो है वो इनका वोट बनवाया जाए। इसके अलावा सबसे मेन समस्या ये है, ये रहौली रोड वाला रोड जो है वो 22 गांवों से मिल रहा है, ये एक व्यापारिक केंद्र है, ये रहौली रोड जो है एक व्यापारिक केंद्र है। जब यहाँ पर सड़क जो है, सड़क का ये हाल है, यहाँ पर गड्ढे हो रहा है सड़क में और पानी भर रहा है, तो यहाँ पर देहात का आदमी नहीं आता, वो उधर से होके निकल जाता है, जिससे यहाँ का कारोबार भी बिल्कुल ठप है। हम दोबारा से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसको संज्ञान में लेकर और इसमें यहाँ का विकास कार्य कराया जाए, यहाँ की जो है सड़कें बनवाई जाएं, ताकि यहाँ का कारोबार जो है चल सके और लोग जो हैं यहाँ जो बस्ती है उन लोगों को विकास, उनका विकास कार्य हो सके कॉलोनियों का।